देखिए स्टूडेंट, अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको क्या गिवन है वो समझ लेते हैं। यहां पर गिवन है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि हमें एपी निकालनी है जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है, और सेवन टर्म क्या है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि फिफ्थ टर्म में अगर 12 ऐड करें तो सेवन्थ टर्म आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मेरे बच्चे, हमें ए थ्री गिवन है 16, तो थर्ड गिवन हमें है। तो यहाँ पर हम पहले इसका फॉर्मूला लगा के इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ ए थ्री लिखता हूँ तो क्या आ जाता है, ए प्लस थ्री माइनस वन डी, तो ये कितना आ गया ए प्लस टू डी, यानी कि जो भी यहाँ वैल्यू होती है उससे एक कम हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या होगी, ए प्लस टू डी इक्वल टू 16, क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब सिचुएशन सेकंड क्या है, हमें क्या दे रखी है, तो यहाँ तो ये चीज़ निकल के आ गई। अब सिचुएशन सेकंड है कि यहाँ पर जो भी आपके पास ए सेवन है, यानी कि ए सेवन्थ, वो ए फिफ्थ में अगर 12 ऐड करे तो निकल के आता है, यानी कि वो 12 ज़्यादा है। तो बच्चे दोबारा समझो ना, तो यहाँ पर अगर मैं ए सेवन लिखूँगा तो ए प्लस सेवन माइनस वन डी, तो क्या आ गया ए प्लस सिक्स डी। और इसी तरीके से अगर मैं ए फाइव लिखूंगा तो क्या होगा, ए प्लस फाइव माइनस वन डी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस फोर डी, क्लियर है कि नहीं है। अब हमारे पास ये टर्म्स हैं ही, तो ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया ए सेवन क्या हो गया ए प्लस सिक्स डी, और ए फाइव कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ए फाइव हो जाएगा ए प्लस फोर डी इक्वल टू 12 प्लस में है मेरे बेटे, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू है ये प्लस में है, तो ये आ गया प्लस 12। अब मेरे बच्चे ये वाला टर्म इधर ले जाओ तो क्या हो गया ए प्लस सिक्स डी माइनस ए माइनस फोर डी इक्वल टू 12, तो ए से ए कट गया बच्चे, क्लियर है। तो मेरे बेटा बताओ, सिक्स में से फोर गए तो कितना आया, तो आया सर 2d इक्वल टू 12, डी का वैल्यू कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2, डी का वैल्यू आ गया आपका 6। अब आपने बहुत ध्यान से समझना है कि सर यहाँ पर ये 6 आ गया, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास a का वैल्यू आ जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ एक चीज़ लिख देता हूँ, क्या, कि पुट दी वैल्यू ऑफ d, सही है जी, इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पुट करके देख लेते हैं, ध्यान से देखो, a प्लस 2d है, 2d की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 इक्वल टू 16, ए प्लस 12 इक्वल टू 16, ए का वैल्यू कितना आ गया, सच सच बताओ 16 माइनस 12, ए का वैल्यू कितना आ गया 4। अब फायदा हो गया ना, a भी निकल आया और d भी निकल आया, क्लैरिटी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीरीज़ बनानी है। देखो उसने क्या कहा, ए पी की सीरीज़ बनाए, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 4, हमारे पास सेकंड नंबर क्या होगा a प्लस डी, तो a कितना है 4, d कितना है 6, कितना आ गया 10। हमारे पास थर्ड नंबर क्या होगा a प्लस 2d, तो a कितना है 4 प्लस 2 इंटू 6, कितना हो गया 4 प्लस 8, सही है, सॉरी मेरी बात को, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 12, सही है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, d का वैल्यू कितना है 6, ओहो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 12, इसे भी सही कर लेते हैं, ये आ गया 12 और ये कितना आ गया 16, क्योंकि 6 6 का डिफरेंस ना, तो 4 के बाद 10, 10 के बाद 16, तो हमारी एक सीरीज़ बन गई, सही है जी, क्या बन गई 4 10
एंड 16, इस तरीके से हमने क्या करा, एक एपी फाइंड कर दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म्स, तो लिख भी देते हैं। दस द रिक्वायर्ड एपी इज A1, A2, A3, A4, such that 4, 10, 16, 22, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, आ रही है समझ में? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अब वो कहता है फाइंड द 20th टर्म, सही है जी, फ्रॉम द लास्ट टर्म, सही है। ये हमें आपको एपी सीरीज दे रखी है। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इस क्वेश्चन की खासियत है कि आपने लास्ट टर्म से एपी निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास पोजीशंस जो है वो बदल रही है, तो लास्ट टर्म से एपी निकालना है। तो जब हम लास्ट टर्म से एपी निकालते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक समझो ध्यान से, यानी कि अब काउंटिंग यहां से नहीं हो रही, 1 2 3 4, काउंटिंग यहां से हो रही है। तो यहां से हो रही है तो सर क्या हुआ, तो मैं इसको पहले तो रिवर्स कर लेता हूं। ध्यान से देखो, ऑन रिवर्सिंग द गिवन एपी द न्यू एपी विल बी, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, कैसे, 253 पहले आ जाएगा, सही है जी, आई बात समझ में। अब ये एपी तो गिवन है, डिफरेंस कितना है, 5 है ना, तो 5 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 248। इस तरीके से मेरे पास ये जो एपी है वो उल्टी हो गई। क्लियर है? क्योंकि ये लास्ट टर्म से पूछ रहा था मुझे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें फायदा क्या हुआ, मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ गया, 253। ए टू का वैल्यू कितना आ गया, 248। क्लियर है? और डी जो है मेरा क्या हो गया, ए टू माइनस में ए वन, यानी कि 248 माइनस 253, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, -5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। क्लियर है? अब यहाँ डी का वैल्यू निकल के आ गया, अब मेरे पास ए का वैल्यू तो है ही, ठीक है। अब कौन सा निकालना है, 20th टर्म, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए एन एन माइनस वन डी, सही है जी। तो यहाँ पर 20th टर्म निकाल लेते हैं, तो ए 20th निकाल लेते हैं, सही है। अब ए 20th में वही फार्मूला, ए एन प्लस एन माइनस वन डी, ए 20th निकालना है, तो हमारे पास जो है ये ए प्लस है, ये तो ए की वैल्यू कितना है, 253 प्लस एन तो मुझे निकालना ही है, सही है जी। यहाँ सॉरी, ए एन तो गिवन है, एन कितना है, 20 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, -5, तो डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आ गया -5। क्लियर है? यहाँ तक समझते हैं। अब बड़े ध्यान से, ए 20 इक्वल टू 253 प्लस ये हो गया 19, और 19 का मल्टीप्लाई -5 से, तो कितना आ गया, 253, सही है जी। इसको इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 95। अब तो इसमें से इसे माइनस करा तो कितना आ गया, 158। तो हमने डी का वैल्यू निकाल लिया के बाद, ए का वैल्यू निकालने के बाद ये बता दिया, रिवर्सिंग ध्यान रखा करो, लास्ट टर्म से ना उल्टा हो जाता बेटा, ध्यान से समझा करो, उसने पीछे से पूछा था ना कि आगे से पूछा था, तो हैंस, सही है जी, द 20th टर्म फ्रॉम
लास्ट ट्रम इज 158. क्या आ गया? 158 आ गया. क्लियर है? यहां तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए. नाउ अब बड़े ध्यान से समझते हैं. नेक्स्ट, अब कहता है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म NAP is 24. The sum of 6th and 10th term is 44. Find the first three terms. ठीक है, अब इसे हम निकालते हैं. ध्यान से देखते हैं हमें कैसे कीजिए गिवन है. तो मेरे बच्चे, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का टोटल है 24. सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का टोटल है 44. ऐसे उसने हमें दे रखा है. तो हम जो चीज़ जानते हैं उसका प्रयोग करते हैं. हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ये वैल्यू निकल गई. सही है जी. ए एन कितना है? तो एन अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 4 माइनस वन डी, यानी कि कितना आ जाएगा? ए प्लस 3 डी. ये हमने सीखा. जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी. अगर उसकी जगह ए 8 है तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 7 माइनस 1 डी, तो कितना आ जाएगा? ए प्लस 6 डी. ठीक है, अगर उसकी जगह क्या है? 6 है तो कितना आ जाएगा? ए प्लस 6 माइनस 1 डी, तो कितना आ गया? ए प्लस 5 डी. और उसकी जगह अगर 10 है तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 10 माइनस 1 डी, तो कितना आया? ए प्लस 9 डी. अब ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है. अब उसके भी आप हम यहाँ कर लेते हैं. अब हम यहाँ पोजिशन समझते हैं. ध्यान से सुनो, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 3 डी. एट्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस, ओह यहाँ ध्यान रखो 8, ये 7, ये आ जाएगा 7 डी इक्वल टू 24. ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखो, ए और ए कितने हो गए? 2a प्लस 10d इक्वल टू कितना हो गए? 24. ऐसे इधर देखो, a प्लस 5d हो गया, ये a प्लस 9d हो गया. a और ए कितने हो गए मेरे बच्चे? 2a हो गए, प्लस ये कितना हो गया? 14d इक्वल टू 44 हो गए. क्लियर है? अब हमने क्या करना है? इसका यूज़ करना है. इसे इक्वेशन 1 मान लो, ये 1 हो गई. ये इक्वेशन कौन सी हो गई? 2 हो गई. अब सॉल्व कर दो इसको. तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44. सब्ट्रैक्ट कर लो. लो जी, सब्ट्रैक्ट कर लिया. लो जी, 2a से 2a कट गया. बचा क्या? माइनस 4d. इसमें से इसे माइनस करो, कितना है? माइनस 20. आया ना? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. डी का वैल्यू निकाल लेते हैं. डी का वैल्यू सही है. डी आ गया माइनस 20 माइनस 4, ये कट गया जी. डी का वैल्यू आ गया 5. अब डी से तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है. तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो. ये कितना है? 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 है. बिल्कुल सर. अब इसकी वैल्यू पुट कर लो. सही है जी. ये हो गया 2a प्लस 10d की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू 24. ध्यान से देखते रहो. तो ये हो गया 2a प्लस 50 इक्वल टू 24. ये कितना हो गया? 2a इक्वल टू 24 माइनस 50. 2a इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 26. a कितना आ गया? माइनस 26 डिवाइडेड बाय 2. a की वैल्यू आ गई जी माइनस 13. a की वैल्यू आ गई माइनस 13. बन गया काम. a भी पता लग गया और d भी पता लग गया. अब हमें सीरीज ही तो बतानी है. उसने कहा क्या करता कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है. निकाल देंगे थे 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स. तो हम लिख देते हैं
कि सर जो फर्स्ट टर्म है वो तो -13 ही हो गई, क्लियर है। सेकंड टर्म क्या हो गया, ए टू, ये क्या हो गया, ए प्लस डी, ए कितना है -13, डी कितना है 5, तो कितना निकल आया -8, तो ए टू की वैल्यू कितनी आ गई -8, ऐसी ए थ्री निकाल लेते हैं, ए थ्री क्या हो गया ए प्लस 2d, तो ए कितना है -13 प्लस 2 × 5, तो कितना हो गया -13 + 10, कितना आ गया -3। ये आ गया ए थ्री की वैल्यू -3। लो जी, ये हमारे पास सीरीज निकल के आ गई, क्लियर है। तो हमने बता दिया, तो नंबर क्या बने, -13, -8 और -3। लो जी, सीरीज बन गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखते हैं आगे कुछ होता है तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या दिखा है, कहता है कि सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, एनुअल सैलरी उसकी कितनी है 5,000, एंड रिसीव द इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ जाना, बढ़ता रहता है कुछ पैसा, 200 रुपये हर साल बढ़ता है। तो कहता है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो कितने समय बाद उसकी जो इनकम है 7,000 हो जाएगी, क्लियर है, आई बात समझ में। तो इसको समझते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि सैलरी 4 द ईयर 1995 इज ₹5,000, क्लियर है बच्चे। सैलरी ध्यान से देखते हैं ना, फोर द ईयर 1996 कितना हो जाएगा 5,000 प्लस, उसमें कितने जुड़ जाएंगे 200 रुपये, हर साल बढ़ते हैं ना, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे ₹5,200, क्लियर है। दोबारा समझो, सैलरी फोर द ईयर 1997 कितना है कि ₹5,200 मिल रहे हैं और उसमें ₹200 और जुड़ जाएंगे, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 5,400, क्लियर है। तो इस तरीके से हर साल ₹200 बनते हैं, ये 54 है, 54। अब बड़े ध्यान से समझो, तो मेरे पास एक सीरीज बन गई, पहले कितने थे 5,000, फिर कितने हो गए 5,200, फिर कितने हो गए 5,400, इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। और कब तक हमें पूछा गया है, जब तक कि वो क्या ना बन जाए 7,000, क्लियर है। तो मेरे बच्चे, मेरे लिए तो फायदा हो गया, ये सीरीज बन के तैयार हो गई, तो मेरे लिए ए वन कितना हो गया 5,000, ए टू कितना हो गया 5,200, डी कितना हो गया 5,200 माइनस 5,000, ए टू माइनस ए वन ना, तो कितना आ गया 200, तो मेरे पास डी की वैल्यू भी निकल के आ गई, ए की वैल्यू तो ये गिवन ही थी। मेरा लास्ट नंबर क्या है, मेरा लास्ट नंबर है 7,000, लो जी, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, फार्मूला लगा देता हूँ, लगा दो सर फार्मूला, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो लास्ट नंबर मेरा कितना है 7,000, ए कितना है 52, सॉरी 5,000 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है मेरा 200। अब ये इधर चला जाएगा 5,000 माइनस में, बचेगा क्या एन माइनस वन 200, कितना आया 2,000, ठीक है एन माइनस वन 200। अब ये 2,000 को 200 से डिवाइड कर दो, 20 से 20 कट गई, ये आ गया 10, सही है जी, इक्वल टू एन माइनस वन आ जाओ, तो ये कितना आ गया
टेन इक्वल टू एन माइनस वन, टेन प्लस वन इक्वल टू एन, कितना आ गया एन का वैल्यू बताओ, इलेवन। सही है, तो इलेवन ईयर्स लग जाएंगे उसकी पोजीशंस को बढ़ाने के लिए। तो अब आपके पास पोजीशंस आ गई कि भाई किस तरीके से वैल्यूएशन निकल के आएगी। क्लियर है? ठीक है। अब उसने एक सवाल था कि हमें वो ईयर बताओ, समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर अब हम उसको ईयर बता देते हैं वो कौन सा है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। नाउ टू फाइंड द ईयर, ईयर फाइंड करो बच्चे। वी कंसीडर, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं उसे समझिएगा। एपी सही है जी, कौन सा ईयर था? 1995, 95, 196, 197। सो ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या है? ए है मेरा 195, ठीक है, और ए टू है मेरा 1996। डी क्या निकला? ए टू माइनस ए वन, तो 1996 माइनस 1995, तो डी का वैल्यू निकला 1। कितना आ गया? 1। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ आप बहुत ही ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता है n की वैल्यू यहाँ पे से ले लेंगे, d की वैल्यू ये हो गई और a का वैल्यू ये हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो नाउ इलेवेंथ टर्म्स क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर a कितना है? 1995, और n कितना है? 11 माइनस 1, और d कितना है? d सही है जी, डी कितना है? 1 है। क्लियर है? ठीक है। तो कितना आ गया? 195 प्लस 10 इंटू 1, 10 ही होगा, कितना आ जाएगा? 2005, ये निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, क्या? हैंस इन द ईयर 2005 में हिज सैलरी वाज रुपीज सेवन थाउजेंड। क्लियर है? इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा। राम कली सेव्ड ₹5 इन अ फर्स्ट वीक, ₹5 बचाती है पहले हफ्ते में, ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, ₹1.75 से बढ़ा ली। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम आ सही है 20 रुपीज 75 पैसा, फाइंड द n। अब कितने टाइम बाद उसके पास जो है इतना पैसा हो जाएगा, कितने वीक के बाद? अब बड़े ध्यान से समझो, हमारे पास a क्या गिवन है? a गिवन है ₹5। क्लियर है बेटी? जितने से वो हर साल बढ़ाती है वही मेरा d हो जाएगा। सर ये कैसे हो जाएगा? अभी तुम देखो ना यार, मैं कहूँ आपके पास ₹10 हैं, तुम हर बार ₹2 जो है सेव करते हो, ठीक है? तो जो पोजीशंस हैं, जो ₹2 है डिफरेंस जो आया ₹2, वो तो सेम ही रहा ना बेटा, वो कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है सही है जी, हमारे पास क्या निकला है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और लास्ट टर्म वो क्या कहता है? लास्ट टर्म है हमारे पास ₹20.75, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब कितने टाइम में हो जाएगा वो हमें बताना है। तो भैया हम तो अपना फॉर्मूला जानते हैं कि a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। अब इसी का प्रयोग कर लेते हैं, क्लियर है? तो a प्लस
एन माइनस वन डी, ओहो इक्वल टू 20 रुपीज 75, ए एन की वैल्यू है। ठीक है, अब ए कितना है मेरे बच्चे, ए 5 है सर, एन मुझे निकालना है सर, और डी कितना है, 1 रुपये 75 पैसे, इक्वल टू कितना, 20 रुपीज 75 पैसा। अब ये एन माइनस वन 1 रुपये 75 पैसे ये इधर चला जाएगा, तो 20.75 माइनस 5, तो एन माइनस वन 1 रुपये 75 पैसे ये कितना आ गया, 15 रुपये 75 पैसे। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो, एन माइनस वन इक्वल टू 15 रुपये 75 पैसे 1.75, 1 रुपये 75 पैसे। इसका पॉइंट हटाया तो 100 ऊपर आ गया, इसका पॉइंट हटाया तो 100 नीचे आ गया, 100 से 100 घट गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो टेबल में यहाँ पर जो वैल्यूएशन निकलेगी, तो 175 9 कितना होता है, 1575, तो एन माइनस वन इक्वल टू 9, तो एन कितना निकल गया, 9 प्लस 1, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहाँ पर एन की वैल्यू निकलने के बाद हम जो चीज़ें हैं, सही है जी, वो समझ लेते हैं, सही है जी, वो उसको पोजीशंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो पोजीशंस देख लेते हैं, वो डिलीट हो गया बेटा, दोबारा लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ए की वैल्यू कितनी थी, 5 रुपीज़, डी की वैल्यू थी 1.75, ए एन था मेरे बच्चे 20 रुपीज़ 75, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, सही है जी, इक्वल टू 20 रुपीज़ 75, ए कितना है 5, एन मुझे निकालना है, डी कितना है 1.75, 20.75, तो ये कितना हो गया, 5 प्लस, 5 को मैं उधर ले जाता हूँ, 5 को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए, एन माइनस वन 1.75, ये कितना आ गया, 20.75 माइनस 5, एन माइनस वन 1.75 इक्वल टू 15.75, एन माइनस वन इक्वल टू बेटा 15.75 1.75, इसका पॉइंट हटाया 100 ऊपर, इसका पॉइंट हटाया और 100 नीचे, ये 100 से 100 कट गया, 175 जो है 9 ये वैल्यू होती है, तो एन माइनस वन इक्वल टू 9 आ गया, तो इसका मतलब एन इक्वल टू कितना आ गया, 9 प्लस 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ये वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है? अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं, हैंस इन 10th वीक, बेटा 10वें वीक के अंदर, क्या नाम है उनका, राम कली, सही है जी, राम कलीज सेविंग, सही है, विल बी 20.75 रुपीज, तो 10 वीक के बाद उसकी जो वैल्यू है इतनी हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस करिए।